ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 4.1 के। ओके और मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी दिए थे, आई थिंक आपने कर लिए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम लोग करेंगे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन 5x इक्वल 25। ओके 5x इक्वल टू 25 एंड द वैल्यू ऑफ x इज गिवन x इक्वल माइनस 5। ओके अब आपको x की वैल्यू दी है -5। ओके तो आपको x की वैल्यू -5 पुट करके देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन को x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है कि नहीं। ओके इट मींस दैट यदि LHS और RHS दोनों सेम आए, इट मींस दैट ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ओके यदि नहीं आए तो नहीं करता सेटिस्फाई। अब हम देखेंगे यहाँ पर LHS क्या दिया है, आपका ये वाला पार्ट LHS है तो LHS इक्वल टू क्या दिया है 5x। ओके नाउ बाय पुटिंग, अब हम क्या रखेंगे, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू -5, इट मींस दैट जहां जहां x है उस जगह पे हम क्या रखेंगे -5। तो आप देखें मैंने यहां पर राइट किया LHS इक्वल टू 5 इंटू -5, यहीं पर था x तो इसकी जगह मैंने क्या राइट कर दिया -5। तो 5 5 25 और वो भी माइनस का, अब देखें आप यहां पर बट ये आंसर आया है 25, इधर भी 25 है RHS में। ओके RHS इक्वल टू कितना दिया है 25 और LHS की वैल्यू कितनी आई है -25, आप देख सकते हैं यहां पर। ओके दोनों का 25 है लेकिन देखें आप एक प्लस का है और एक माइनस का, इट मींस दैट ये दोनों ही अलग अलग है। ओके तो LHS नॉट इक्वल RHS। ओके LHS और जो RHS हैं दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये जो नो द इक्वेशन आप लास्ट में आंसर मेंशन करेंगे, नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके आपको क्लियर हुआ होगा ये। ओके नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 11। ओके क्वेश्चन नंबर 11 इज m/3 = 2 एंड द वैल्यू ऑफ m इज गिवन, m की वैल्यू भी दी गई है 6। ओके अब यहां पर देखें हम सॉल्व करेंगे। ओके LHS इक्वल क्या दिया है m/3 एंड बाय पुटिंग m = 6। ओके m की वैल्यू 6 रखने पर यहां पर देखें अब आप LHS की वैल्यू क्या आएगी, m की जगह पर मैं क्या राइट करूंगा 6। ओके यहां पर 6/3, अब 3 1 = 3, 3 2 = 6, इट मींस दैट LHS की वैल्यू कितनी आई है 2। ओके अब यहां पर देखो RHS की वैल्यू क्या है, RHS की वैल्यू भी तो 2 है ना। ओके तो दोनों की वैल्यू सेम आई 2 और 2, इट मींस दैट LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। ओके तो दोनों ही इक्वल है तो क्या होगा, यहां पर लिखोगे आप यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके इस टाइप से आपको करना है और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर
9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके होमवर्क में रहेंगे, ये आपको करना है रफ कॉपी में। ओके, बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा इतना।